कैसे हो मेरे पड़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हमने बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। एक्चुअल चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। चलो, पहला ही वर्ड क्या है? मोशन। मोशन मतलब क्या? कुछ एग्जांपल्स बताइए मोशन के। क्या है एग्जांपल? अगर आप कुछ भी देखोगे तो सब आपको लगेगा मोशन में। व्हेन वी आर वॉकिंग एट दैट टाइम वी आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। व्हेन वी आर रनिंग एट दैट टाइम वी आर इन मोशन। व्हेन वी आर राइडिंग बाइसिकल एट दैट टाइम वी आर इन मोशन। व्हेन फैन इज ऑन एट दैट टाइम फैन इज इन मोशन। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग एट दैट टाइम वी आर टेकिंग इन एयर, और व्हेन वी आर ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट एट दैट टाइम एयर इज इन मोशन। व्हेन वी आर कंसिडरिंग फ्लो ऑफ ब्लड एट दैट टाइम ब्लड इज इन मोशन। व्हेन यू आर कंसिडरिंग रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, दैट इज इन 24 आवर्स इट कंप्लीट इट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस एट दैट टाइम अर्थ इज इन मोशन। व्हेन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इट कंप्लीट्स वन रोटेशन इन वन ईयर, देन ऑल्सो अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज इन मोशन। वी कैन ट्रीट अर्थ टू बी इन मोशन। सो कुछ भी देखा जाए, व्हेन वी आर कंसिडरिंग सन देन सन इज ऑल्सो इन द मोशन इन मिल्की वे। तो जो कुछ भी देखा जाए सब कुछ क्या है? मोशन। तो देखने जाएं तो आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मोशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मैकेनिक्स की दो ब्रांच हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। बट टुडे एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट काइनेमेटिक्स। तो क्या होता है काइनेमेटिक्स, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पॉइंट ऑब्जेक्ट, विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट रेफरेंस फ्रेम। तो आज कुछ इतनी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो आज हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। क्या आप सब लोग एक्साइटेड हो? क्या बहुत एक्साइटेड हो? मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक्चुअल फिजिक्स अब स्टार्ट होने वाला है चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 1-2 तो क्या था? एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बातचीत की, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एक्सेट्रा, डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिट कैसे बनाना है। पर एक्चुअल फिजिक्स अब स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 3 से। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विथ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन। आफ्टर दैट इन चैप्टर नंबर 4 वी विल स्टडी अबाउट मोशन इन अ प्लेन। तो उसमें 2-3 डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विथ मोशन इन 1D, वन डायमेंशनल मोशन वी आर गोइंग टू स्टडी। चलो स्टार्ट करते हैं मोशन से। हाउ कैन वी डिफाइन मोशन? चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। इफ़ वी आर हैविंग इंस्ट्रूमेंट टू मेजर डिस्टेंस एंड वी आर हैविंग एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टाइम, दैट इज नथिंग बट क्लॉक, देन वी कैन फाइंड चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। नाउ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स दैट इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स दैट इज काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स क्या होता है? एक्चुअली हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं आगे के लेक्चर में। क्या था काइनेमेटिक्स? व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉजेज देन दैट ब्रांच इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन विदाउट बोदरिंग अबाउट इट्स कॉजेज देन दैट ब्रांच इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। मतलब काइनेमेटिक्स में हम किसकी वजह से मोशन है उसके बारे में चिंता नहीं करते,
जस्ट वी स्टडी अबाउट द मोशन. व्हेन कार इज इन मोशन एट द टाइम वी फोकस ओनली ऑन द मोशन. वो मोशन में क्यों है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ों के बारे में हमें चिंता करनी नहीं है. व्हाट इज डायनेमिक्स? दिस इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन कंसिडरिंग इट्स कॉजेस. व्हेन वी कंसिडर कॉजेस ऑफ मोशन देन दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज कॉल्ड डायनेमिक्स. मतलब जिस ब्रांच में हम कॉजेस के बारे में चिंता करने वाले हैं, कॉजेस के बारे में जानकारी मिलने वाली है, मतलब कोई मोशन में है, मान लो कि कोई ब्लॉक रखा हुआ है, उसे अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं तो वो मोशन में आया तो किसकी वजह से आया, कुछ उस पर फोर्स लगा, तो उसके कॉजेस क्या हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. वो किस में? डायनेमिक्स में. राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट काइनेमेटिक्स. मतलब अभी शुरुआत है तो हमें किसकी वजह से हो रहा है मोशन उसकी चिंता करनी नहीं है. जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग, मोशन. मोशन है, क्या हो रहा है मोशन में, कितनी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है. जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन मोशन, वी डोंट हैव टू बोदर अबाउट इट्स कॉजेस. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. Rest and motion are relative terms. How? How can we say that the object is at rest? And how can we say that the object is in motion? कैसे पता चले कि object motion में है या rest पे है? आइए एक example ले लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा how rest and motion are relative terms. For example, when we are considering any moving train and ए पर्सन वन इज सिटिंग इनसाइड द ट्रेन एंड पर्सन टू इज ऑल्सो इनसाइड द ट्रेन एंड ए पर्सन टू इज ऑब्जर्विंग फर्स्ट पर्सन देन फॉर पर्सन टू पर्सन वन इज एट रेस्ट और इन मोशन. मतलब एक चलती हुई ट्रेन कंसिडर कर लो, उसमें हमने एक इंसान कंसिडर किया हुआ है, एक इंसान अंदर बैठा हुआ है, उसको कौन ऑब्जर्व कर रहा है, दूसरा इंसान जो कहाँ पर है, ट्रेन के अंदर. दोनों ही ट्रेन में बैठे हुए हैं, दोनों ही ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो दूसरे पर्सन के लिए फर्स्ट पर्सन जो है वो रेस्ट पे हुआ या मोशन में हुआ, बताइए. फर्स्ट पर्सन इज एट रेस्ट और इन मोशन. फॉर सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन इज एट रेस्ट. अगर आप कार में बैठे हो, अगर कार में बैठे बैठे पास वाले को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या लगेगा, वो मोशन में नहीं लगेगा, वो आपको क्या लगेगा, स्टेशनरी. आपको ऐसा लगता है कि आप बैठे हो और वो पास वाला आगे भाग जा रहा है, ऐसा तो नहीं लगता है ना. कैसा लगता है, पास वाला इंसान कैसा है, रेस्ट पे. ओके, नाउ इफ थर्ड पर्सन विच इज ऑब्जर्विंग फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द ग्राउंड देन फॉर हिम फर्स्ट पर्सन इज इन मोशन और एट रेस्ट. अगर कोई इंसान ग्राउंड पे से मूविंग ट्रेन में बैठे हुए इंसान को देख रहा है तो उसके लिए वो फर्स्ट पर्सन मोशन में है या रेस्ट पे है, मोशन. यस और नो? व्हेन यू आर इनसाइड द ट्रेन एंड व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग ट्रीज विच आर आउटसाइड द ट्रेन देन व्हेन ट्रेन इज इन मोशन एट द टाइम दैट ट्रीज अदर ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी इन मोशन बट इन विच डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन. एंड when train is at rest at that time if you observe trees and other objects then they appear to be stationary. kaisi cheez hoti hai ki nahi hoti, it means rest and motion are relative terms. ek insaan jo train mein baitha hua hai use dusra insaan observe kar raha hai jo train mein hi hai, uske liye pehla wala insaan kaise hai, rest pe. par jab teesra wala insaan jo ground pe hai वो फर्स्ट वाले इंसान को जब ऑब्जर्व कर रहा है जो ट्रेन में है उसके लिए वो कैसे है, मोशन. सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. कहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंट. ऐसे देखा जाए तो सब कुछ मोशन में. व्हेन वी आर कंसीडरिंग एनी बुक लाइंग ऑन द टेबल एट द टाइम दैट बुक अपीयर्स टू बी स्टेशनरी, यस और नो? बट एक्चुअली अर्थ इज इन मोशन, यस और नो? अर्थ कैसे है, अर्थ कुछ घूम रही है.
अर्थ खुद मोशन में है तो वो बुक में कैसे होनी चाहिए, मोशन में होनी चाहिए। इट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, दैट इज इम्पॉर्टेंट। कौन ऑब्जर्वर है, किसकी रिस्पेक्ट में मोशन है, वो इम्पोर्टेंट है। मोशन इज रिलेटिव टर्म, दैट इज नॉट एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट मोशन एंड एब्सोल्यूट रेस्ट, कैन वी कंसिडर एनीथिंग टू बी एब्सोल्यूटली एट रेस्ट? क्या किसी को ऐसा कंसिडर किया जा सकता है एब्सोल्यूटली एट रेस्ट? मुझे बताओ कोई ऐसी चीज़ है जो एब्सोल्यूटली रेस्ट पे है? कैन वी कंसिडर एब्सोल्यूट रेस्ट? अर्थ को कंसिडर करोगे तो अर्थ इज इन मोशन, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। वेन वी कंसिडर सन, सन इज ऑल्सो इन द मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर बॉडीज। सो एक्चुअली वी कांट कंसिडर एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट कंसिडर किया जा सकता नहीं। तो एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं हो सकता। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, किसकी रिस्पेक्ट में है वो जानना जरूरी है। किसी के लिए वो रेस्ट पे हो सकता है, किसी के लिए मोशन पे हो सकता है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, क्या समझ में आया? वो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं। पॉइंट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट? इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय अ डिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी कंसिडर रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, एट द टाइम डिस्टेंस कवर्ड बाय द अर्थ इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू इट्स ओन साइज। एट द टाइम वी कैन कंसिडर अर्थ एज अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। तब अर्थ को भी क्या कंसिडर किया जा सकता है? पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है उसकी कंपेरिजन में अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है, ऑब्जेक्ट की साइज जो है वो कंपेरेटिवली बहुत ही स्मॉल है, एट दैट टाइम वी कैन ट्रीट दैट ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। क्या क्लियर है? मतलब अर्थ जैसी बड़ी चीज़ को भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करने वाले हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, वेन वी कंसिडर मोशन ऑफ अ ट्रेन, वेन ट्रेन इज ट्रैवलिंग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, व्हाट अमाउंट ऑफ किलोमीटर्स? हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। एट द टाइम वी कैन कंसिडर ट्रेन एज अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, बिकॉज साइज ऑफ ट्रेन इज नेग्लिजिबल और वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट। यस सर, जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उसकी कंपेरिजन में उसकी साइज तो कितनी है? बहुत छोटी। तो तब उसको क्या कंसिडर किया जा सकता है? पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? सो इफ दैट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाई डिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज इन अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट मे बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कंसिडर मैनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू बी पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स। मतलब उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है, उसका पोजिशन में जितना चेंज आया है, उसकी कंपेरिजन में उसकी साइज क्या है? बहुत ही छोटी। तो हम उसे क्या कंसिडर कर लेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ऐसा नहीं बोलना कि सर आपने इतनी बड़ी ट्रेन को पॉइंट कंसिडर कर लिया। यस, वी कैन कंसिडर ट्रेन एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं एक और टॉपिक, दैट इज रेफरेंस फ्रेम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फॉर दैट लेट मी कंसिडर वन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कंसिडर कर लेते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हियर वी हैव कंसिडर्ड थ्री एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दैट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ फिगर। यू हैव टू कंसिडर दिस व्हाइट बोर्ड एज अ प्लेन ऑफ फिगर, दिस इज द प्लेन ऑफ फिगर। एंड व्हेन वी कंसिडर एक्सिस कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ फिगर, देन दैट एक्सिस इज नथिंग बट जेड एक्सिस। ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई, और जो बाहर आ रही है वो क्या है? जेड। इन दिस डायरेक्शन नेगेटिव एक्स, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव वाई,
एंड इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर दैट इज नेगेटिव जेड. पर नेगेटिव के बारे में बाद में बात करेंगे. राइट नाउ फोकस ओनली ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस. ऑल द थ्री एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एक्स एंड वाई आर परपेंडिकुलर, वाई एंड जेड आर परपेंडिकुलर, जेड एंड एक्स आर ऑल्सो परपेंडिकुलर. ऑल द थ्री एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तीनों परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे. नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ दिस थ्री एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन. इसको क्या बोला जाता है? ओरिजिन. एंड दिस ओरिजिन कैन बी ट्रीटेड एज अ रेफरेंस पॉइंट. इसे क्या कंसिडर किया जाता है? रेफरेंस पॉइंट. लेट मी कंसिडर पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट पी. क्या कंसिडर कर लिया? पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू बी पी. एंड इफ यू हैव टू डिसाइड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी देन वी कैन डिसाइड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन. इट मीन्स हियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी दैट आई एम टेकिंग राइट नाउ एक्स वन वाई वन जेड वन. हियर विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन पॉइंट पी इज एट अ डिस्टेंस एक्स वन अलोंग एक्स एक्सिस. पॉइंट पी इज एट अ डिस्टेंस वाई वन अलोंग वाई एक्सिस. एंड पॉइंट पी इज एट अ डिस्टेंस जेड वन अलोंग जेड एक्सिस. मतलब आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो. हियर इफ आई कंसिडर एनी पॉइंट ओवर हियर देन इट्स अ डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन दैट इज एक्स वन, इन वाई डायरेक्शन दैट इज वाई वन एंड इन जेड डायरेक्शन दैट इज जेड वन. पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट पी अलोंग एक्स वन विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन दैट इज एक्स वन, विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन ऑन वाई एक्सिस दैट इज वाई वन, अलोंग जेड एक्सिस दैट इज जेड वन. Then coordinates of this point P are x1, y1 and z1. You should write this x1, y1, z1 in sequence according to tradition. First of all, we should write x coordinate, then y coordinate and then z coordinate. ये आपको आगे पीछे नहीं करना चाहिए. Tradition है. कैसे लिखा जाता है? पहले x coordinate, then y coordinate, then z coordinate. Now, we have an instrument which can measure distances. We have an instrument which can measure time. मान लो कि ये पार्टिकल यहाँ से चलते चलते कहाँ पहुँच गए? पॉइंट क्यू पे. कहाँ पहुँच गया? पॉइंट क्यू पे. चलते चलते कट जाए रास्ते. कहाँ पहुँच गया? पॉइंट क्यू पे. क्या उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए या वही रहे? चेंज हो गई कि नहीं? विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, ओरिजिन इज कंसिडर्ड एज रेफरेंस पॉइंट. तब कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? एक्स टू वाई टू जेड टू. ये सुन, अरे यार हाँ ना बोल. इफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम is considered as motion. So with respect to this point, reference point, which is stationary, this particle is said to be in motion. So this frame can be considered as reference frame. इसको क्या consider किया जा सकता है? Reference frame, frame of reference. जहाँ से observation लिया जाए उसकी comparison में अगर किसी और की पोजीशन में चेंज आ रहा है तो उसे क्या कंसीडर किया जाएगा? दैट ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड टू बी इन मोशन. वी कैन कंसीडर दैट ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन.
तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है, साइकिल है, इंसान है, उसकी पोजीशन चेंज हुई, तो क्या कंसीडर कर सकते हैं, उसको मोशन में कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आओ एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आइए ले लेते हैं एक कार। बहुत ही बढ़िया कार हमने ली है, डायरेक्ट मर्सिडीज के शोरूम से आई है, और हियर समवन इज ड्राइविंग दिस कार। और एक इंसान कंसीडर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, कोई इंसान है जो यहाँ पे ग्राउंड पे से इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है, राइट। देन वी हैव टू सिलेक्ट रेफरेंस फ्रेम ऑन द ग्राउंड बिकॉज द ऑब्जर्वर इज ऑन ग्राउंड। किसको ऑब्जर्व कर रहा है? कार को। किसको ऑब्जर्व कर रहा है? कार को। सो हियर इनिशियली द पोजिशन ऑफ दिस कार फ्रॉम हिम आई एम कंसिडरिंग एक्स वन बिकॉज कार इज मूविंग अलोंग ओनली वन एक्सिस। क्या वाई में जाने वाली है? हवा में उड़ने वाली है? नहीं। क्या ऐसे आने वाली है? नहीं, सीधी जा रही। तो हियर वी कैन कंसिडर मोशन टू बी इन वन डायमेंशन। तो एक एक्सिस कंसिडर करें एक्स वन। कुछ समय के बाद कार कहाँ पहुँच गई होगी? आगे। यस सर। देन कार इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कार इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और कार इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। यस सर। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वी आर कंसिडरिंग दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड विथ ग्राउंड। और मान लो कि दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पे रख दी? यहीं पे। दैट इज फिक्स्ड विद द कार ओनली। मतलब मान लो कि एक इंसान है, वो कार में ही बैठा हुआ है। कहाँ पे बैठा हुआ है? कार में। यस सर। फॉर हिम इफ वी कंसिडर द पर्सन सिटिंग इनसाइड द कार एज अ ऑब्जर्वर। अब किसको ऑब्जर्वर मान लिया? जो कार के अंदर बैठा हुआ है। तो उसके लिए कार क्या है? मोशन में है। ही इज ऑल्सो मूविंग अलॉन्ग विद द कार। यस और नो? तो वो कार के साथ खुद ही चल रहा है, उसको मोशन लगेगा नहीं। सो हियर दिस इज रेफरेंस फ्रेम वन एंड दिस इज रेफरेंस फ्रेम टू। सो रेफरेंस फ्रेम डिसाइड्स वेदर द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और नॉट। व्हेन वी कंसिडर रेफरेंस फ्रेम वन देन कार इज इन मोशन। When we consider reference frame 2, then car is not in motion। ये चीज़ वैसी हो गई जैसा हमने ट्रेन का एग्जाम्पल लिया था, याद है? ट्रेन का हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें क्या था? जो इंसान ट्रेन में बैठा हुआ है उसके लिए बाजू वाला इंसान मोशन में नहीं है, क्योंकि दोनों एक साथ ही मोशन में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर कोई ग्राउंड से देख रहा है, प्लेटफॉर्म से देख रहा है, तो उसके लिए वो दोनों ही इंसान मोशन में होंगे। ऐसी चीज़ हो गई। अगर कार को ग्राउंड से देखा जाए तो कार किस में? मोशन में। पर अगर इंसान वहीं पे बैठा हुआ है और कार को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे क्या लगेगा? द कार इज नॉट इन मोशन। हाँ, अगर कार में बैठा हुआ है ग्राउंड को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे लगेगा रास्ता पीछे जा रहा है। यस और नो? अरे यार हाँ ना बोल। उसको लगेगा कि रास्ता मोशन में। सो हियर मोशन दैट इज रिलेटिव टर्म विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग। रिलेटिव है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, रेफरेंस फ्रेम क्या कंसिडर की है, उसके हिसाब से मोशन कंसिडर किया जाता है। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। तो मोशन कंसिडर करना है तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। किसी एक चीज को फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे मान लिया जाएगा और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी किया जाएगा।
तो जब मोशन स्टडी करेंगे तब हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिलेक्ट करना होगा, ओरिजिन कंसिडर करना होगा। व्हेन वी आर डीलिंग विद द मोशन इन वन डायमेंशन ओनली, तो मान लो कि एक डायमेंशन में माना, तो यहाँ पे हम मान ले ओरिजिन, यस और नो, एंड इफ वी कंसिडर एनी पार्टिकल टू बी इन मोशन देन हियर दिस इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एंड सपोज आफ्टर सम टाइम दैट पार्टिकल रिचिज टू पॉइंट टू देन दिस इज द फाइनल पोजिशन ऑफ दैट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यहाँ से उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यस सर। जब आप घर से बाहर निकलते हो तब आपने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया विथ रिस्पेक्ट टू योर होम, किसी और के घर से वो डिस्टेंस कुछ अलग होगा। अरे हाँ ना, बोल। सो वी हैव टू डिसाइड सम रेफरेंस पॉइंट, फ्रॉम दैट वी हैव टू ऑब्जर्व द चेंज इन पोजिशन ऑफ दैट पार्टिकल। वहाँ से इट इज एक्स टू माइनस एक्स वन, कितना हिला, एक्स टू माइनस एक्स वन, देर इज अ चेंज इन पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल। क्या समझ में आया, एकदम परफेक्ट क्लियर है? तो जब भी मोशन को स्टडी करना है तो हमें रेफरेंस फ्रेम कंसिडर कर लेनी चाहिए, कोई रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर लेना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि उसकी रिस्पेक्ट में वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं। अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मोशन बदल जाएगा। व्हेन वी आर कंसिडरिंग रेफरेंस फ्रेम टू देन दिस कार अपीयर्स टू बी स्टेशनरी, रेस्ट पे लग रहा है। When we consider reference frame 1, at that time car is in motion. So reference frame, that is important thing. With respect to what we are taking observation, that is important. So motion and rest, these are relative terms. They are not absolute terms, they are relative terms. So here motion, kinematics, point object and frame of reference. These things are clear to you or not? एकदम क्लियर है, परफेक्ट। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। इस चीज़ को रिवाइज करें, ये बेसिक चीज़ें जो है वही क्लियर होनी चाहिए। अगर फंडामेंटल आपका क्लियर है तो आगे प्रॉब्लम आएगी नहीं। सो विद दिस आई एम स्टॉपिंग टुडेज लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।